कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सदैव अनसुलझे रहते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है गुजरात के सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित वान स्तंभ। सोमनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतिहास में इसे कई बार तोड़ा गया था और फिर इसका पुनर्निर्माण हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे सोमनाथ मंदिर। आखिरी बार सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1951 में हुआ था और मंदिर के ही दक्षिण में स्थित समुद्र के किनारे बाण स्तंभ है जो बेहद ही प्राचीन है और मंदिर के साथ साथ इसका भी जीर्णोद्धार किया गया है। इतिहास बड़ा चमत्कारी विषय है। इसको खोजते खोजते हमारा सामना ऐसी स्थिति से होता है कि हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं और पहले हम स्वयं से पूछते हैं कि यह कैसे संभव है। 1500 वर्ष पहले इतना उन्नत और अत्याधुनिक ज्ञान हम भारतीयों के पास था, इस पर भी विश्वास नहीं होता है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आकर कुछ ऐसी ही स्थिति होती है। वैसे भी सोमनाथ मंदिर का इतिहास बड़ा ही विलक्षण और गौरवशाली रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, एक वैभवशाली सुंदर शिवलिंग। इतना समृद्ध की उत्तर पश्चिम से आने वाले प्रत्येक आक्रांता की पहली नजर सोमनाथ पर जाती थी। अनेकों बार सोमनाथ मंदिर पर हमले हुए, उसे लूटा गया। सोना, चांदी, हीरा, मानिक, मोती आदि गाड़ियां भर भर कर आक्रांता ले गए। इतनी संपत्ति लूटने के बाद भी हर बार सोमनाथ का शिवालय अपने वैभव के साथ खड़ा रहता था। लेकिन केवल इस वैभव के कारण ही सोमनाथ का महत्व नहीं है। सोमनाथ का मंदिर भारत के पश्चिम समुद्र तट पर है। विशाल अरब सागर रोज भगवान सोमनाथ के चरण पखारता है और गत हजारों वर्षों के ज्ञात इतिहास में इस अरब सागर ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघी है। ना जाने कितने आंधी तूफान आए, चक्रवात आए, लेकिन किसी भी आंधी तूफान चक्रवात से मंदिर को कोई हानि नहीं हुई है। इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है, यह वान स्तंभ नाम से जाना जाता है। यह स्तंभ कब से वहां पर है बता पाना कठिन है। लगभग 6वीं शताब्दी से इस वान स्तंभ का इतिहास में नाम आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वान स्तंभ का निर्माण 6वें शतक में हुआ था। उसके सैकड़ों वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। यह एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिस पर समुद्र की ओर इंकित करता हुआ एक बाण है और इस बाण स्तंभ पर लिखा है समुद्रात दक्षिण ध्रुव पर्यंत्र अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ यह हुआ कि इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है, अर्थात इस समूची दूरी में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। जब आप इस वान स्तंभ को देखेंगे और इस शिलालेख को पढ़ेंगे तो आपके मन में यह प्रश्न अवश्य होगा कि यह ज्ञान इतने वर्षों पहले हम भारतीयों को था कैसे संभव है, और यदि यह सच है तो कितने समृद्धशाली ज्ञान की वैश्विक धरोहर हम संजोए हैं। संस्कृत में लिखे इस एक पंक्ति के अर्थ में अनेक गूढ़ अर्थ समाहित है और इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी भूखंड नहीं आता है। क्या यह सच है? आज के इस तंत्र विज्ञान के युग में यह ढूंढना संभव तो है, लेकिन उतना आसान नहीं है। मैप में भी ढूंढने के बाद भूखंड नहीं दिखता है। अर्थ हम मानकर चलें कि उस संस्कृत श्लोक में सत्यता है, किंतु फिर भी मूल प्रश्न वैसा ही रहता है। अगर मानकर चलते हैं कि सन 600 में इस वान स्तंभ का निर्माण हुआ था तो भी उस जमाने में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। यह ज्ञान हमारे पुरखों के पास यह मान भी लिया जाए तो भी सोमनाथ मंदिर से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी भूखंड नहीं आता। यह मैपिंग किसने की?
जैसे कि यह सब कुछ बड़ा ही अद्भुत है। इसका अर्थ यह है कि वान स्तंभ के निर्माण के समय भारतीयों को पृथ्वी गोल है इसका ज्ञान था। इतना ही नहीं, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है यह भी ज्ञान था। और यह कैसे संभव हुआ, इसके लिए पृथ्वी का एरियल व्यू लेने का कोई साधन उपलब्ध था अथवा पृथ्वी का विकसित नक्शा बना था। सोमनाथ मंदिर के निर्माण काल में दक्षिणी ध्रुव तक दिशा दर्शन उस समय के भारतीयों को ही था यह निश्चित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में समुद्र में कोई अवरोध नहीं है, ऐसा बाद में खोज निकाला, या दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट तक बिना अवरोध के सीधी रेखा जहां मिलती है वहां पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। उस वान स्तंभ पर लिखी गई उन पंक्तियों में जिसका उल्लेख किया गया है वह ज्योतिर्मय मार्ग क्या है, यह आज भी प्रश्न है। वान स्तंभ पर लिखे श्लोक की अंतिम पंक्ति अबाधित ज्योतिर्मार्ग भी किसी रहस्य की तरह ही है, क्योंकि अबाधित और मार्ग तो समझ में आता है लेकिन ज्योतिर्मार्ग क्या है यह समझ से बिल्कुल परे है। परंतु कभी ना कभी इसका अर्थ व औचित्य भी समझ में आ ही जाएगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।